आज शिवसेना पंजाब ने मनाया पंजाब में आतंकवादी भिंडरांवाला और आतंकवाद का सफाया करने वाले शहीद जनरल अरुण श्रीधर वैद्य का शहीदी दिवस। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रधान संजीव घनौली ने युवाओं को बताया कि जनरल अरुण श्रीधर वैद्य ने किस तरीके से पंजाब में आतंकवाद का सफाया किया है और उन्होंने कहा कि शिवसेना पंजाब कभी भी देश व प्रदेश के टुकड़े नहीं होने देंगी। उन्होंने पंजाब में क्या देश भर में खालिस्तान जैसी गतिविधियों के खिलाफ शिवसेना सरकार ने कहा कि कुछ लोग देश में रहकर दुश्मनों का साथ देते हुए कट्टरपंथी मुहिम रेफरेंडम 2020 के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। ये लोग पंजाब के गांवों में गुमराह कर लोगों में गलत प्रचार कर रहे हैं कि पंजाब में खालिस्तान बनने जा रहा है। पंजाब के गांव की भोली वाली जनता को गुमराह करने वाले लोगों को शिवसेना चेतावनी देती है कि जो लोग हिंदू सिख भाईचारे व देश के टुकड़े कर ले जा रहे हैं उनको किसी भी हालत में पंजाब में अमन शांति भंग नहीं करने दिया जाएगा। संजीव घनौली ने कहा कि पंजाब में बैठकर भी कुछ लोग धर्म के नाम पर केवल अमन शांति खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसा इकट्ठा करने वाले लोगों के चक्कर में ना आएं। पंजाब का माहौल बहुत बढ़िया है और ऐसा ही रहेगा। शिवसेना पंजाब किसी भी कीमत पर इन लोगों के सपने पूरे नहीं होने देगी। प्रधान संजीव घनौली ने पंजाब पुरुषों पर पंजाब सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर रेफरेंडम 2020 के बारे में प्रचार कर रहे हैं उनको पकड़कर केस दर्ज किया जाए और जेल में डाला जाए ताकि पंजाब का माहौल कोई भी खराब ना कर सके है। इस मौके पर शिवसेना पंजाब के रोपड़ जिला प्रमुख नितिन नंदा सीनियर के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। असी देश के शहीद जिन्होंने पंजाब के अतवाद का खात्मा किया जनरल अरुण श्रीधर वैद्या जी जिन्होंने उस खूनखार अतवादी भिंडरांवाले का कतल किया ते पंजाब दे विच अमन शांति लियांदी। अज उन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण वास्ते असीं एकत्र होए आ। अज शिवसेना पंजाब दा दफ्तर जिहड़ा शिव नगरी सोमनाथ आसरों विखे इत्थे जिला रोपड़ दे मोहाली दे शिव सैनिक इकट्ठे हो के उन्हां श्रद्धांजलि दित्ती आ श्री अरुण धर वैद्या जी नूं अते उन्हां शहीदां नूं भी याद किया जिन्हां ने पंजाब की बहाली लई हिंदुस्तान की बहाली लई अपनियां जानां कुरबान कीतियां। अज असीं एक मैसेज भी दिता वी जिहड़े लोग बाहरले देशां च बैठ के पंजाब के खिलाफ रेफरेंडम 2020 की लहर लेके पंजाब का फिर तो माहौल खराब करना चाहते हैं। असी उन्होंने अज चेतावनी दी है कि शिवसेना पंजाब हर लड़ाई लड़न लई तैयार है। पंजाब का माहौल किसी भी हालत के खराब नहीं होने देगी। साडा पंजाब का बहुत वधिया अमन शांति कानून है। अज सिख हिंदू भाईचारा इकट्ठा रह रहा तो बड़ा आनंद माण रहा। असी किसी भी कीमत दे विच जिहड़े लोग गलत निर्दोष लोगों वास्ते एक नजायज़ प्रचार कर रहे हैं पंजाब दे विच बाहर बैठ के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पंजाब का माहौल खराब करने वास्ते उन्होंने चेतावनी दिंदे वे किसी भी हालत दे विच पंजाब च नहीं बढ़न देवांगे। शिवसेना पंजाब पहला भी इन्हां कुत्तियां नूं चुत्तियां मार के पंजाब चों भजाया तां इह बाहर रहे ने। अज फिर ऐलान करदे आ कि जिहड़ा भी साडे पंजाब ते बुरी अख रखेगा उहदे जुत्तियां मार के भजावांगे। एन स्टार न्यूज़ के लिए रोपड़ से शमशेर बग्गा की रिपोर्ट।